उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक दिलचस्प वाकया हुआ, जहां एक दुल्हन के लिए दो अलग अलग बारातें आईं। दूल्हे भी दो थे लेकिन दुल्हन एक थी। ऐसे में दुल्हन ने एक दूल्हे के साथ वरमाला की रस्म निभाई तो दूसरे के साथ विदाई। आइए जानते हैं माजरा क्या है। ये पूरा मामला कोतवाली देहात के एक गाँव का है। गुरुवार को गाँव में बारात आई थी। पहली बारात थाना आवागढ़ के गाँव नरौरा से आई, वही दूसरी बारात थाना मिरहची के गांव जिनहरा से पहुंची। एक दुल्हन की दो दो बारात देख गांव वाले हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि पहली बारात लेकर आए दूल्हे से जयमाला तक पड़ चुकी थी, मगर बाद में शादी से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद दूसरी बारात लेकर पहुंचे दूल्हे के साथ दुल्हन की शादी करा दी गई। इस दौरान हुए हंगामे की वजह से सभी बाराती वापस चले गए। वहीं जिनहरा गांव से बारात लेकर आया दूल्हा दुल्हन को लेकर चला गया। दुल्हन की विदाई होने से नाराज पहला दूल्हा और उसके घर वाले घर जाने के बजाय कोतवाली देहात पहुंच गए। डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया। दोनों पक्षों में बात चल रही है। बताया जा रहा है दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष को दिए गए सामान को वापस करने की मांग कर रहा है। चर्चा ये भी है कि लड़की के पिता ने ठगी के मकसद से दो जगहों से बेटी की शादी तय की थी। गांव में इस शादी को लेकर बहुत चर्चा है। हर किसी की जुबान पर ये शादी है। कई लोगों ने कहा शादी करने वाली दुल्हन की उम्र भी बहुत कम है। गांव के लोगों का कहना है लड़की के परिजन शादी के नाम पर कई और लोगों को भी ठग चुके हैं। SHO कोतवाली देहात प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। मामले में कुछ लोग कोतवाली देहात आए हैं। तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस की टीमें अभी इस मामले की जांच कर रही हैं। निर्णय जो भी हो लेकिन हर किसी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर हैं।